हेलो एवरीवन, बीए क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स ऑफ द एपी 8, 10, 12, -126। हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक एपी दिया है जिसका हम लास्ट 10 टर्म का सम फाइंड आउट करना है। एपी क्या है, यहाँ पे 8 दिया है, कॉमा 10, 12, डैश डैश डैश, यहाँ पे क्या ये 126 दिया हुआ है। तो अगर इस सीरीज को हम यहाँ से रिवर्स कर दे तो क्या वैल्यू हो जाएगी, ए हो जाएगा 120 हो जाएगा 6, कॉमा डैश डैश क्या 12, 10, 8 आ जाएगा। अगर इससे यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 126 आ जाएगा। और इसको जब यहाँ से हम सॉल्व करें तो क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 10 माइनस में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। टू कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस होता था, हमें यहाँ पे ये टर्म दिया हुआ है तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, डी हो जाएगा, यहाँ से माइनस में 2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे समीशन का फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं क्योंकि हमें सम फाइंड आउट करना लास्ट 10 टर्म का, इसलिए हमने इसको क्या रिवर्स कर दिया था। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, ए हो जाएगा एन बाई हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस एन माइनस ऑफ हो जाएगा यहाँ से 1 इंटू में डी आ जाएगा। एन इक्वल टू क्या पुट करेंगे, हम यहाँ पे 10 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगा 10 बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा प्लस में क्या आ जाएगा 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 9d आ जाएगा। हम वो अब क्या करते हैं, ए और डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट है तो उसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, हो जाएगा यहाँ से क्या 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 252 हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ से 18 हो जाएगा। 252 माइनस 18 करेंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 इंटू में क्या आ जाएगा, दिस इज 234 हो जाएगा। जब यहाँ से हम 5 को 234 से मल्टीप्लाई करें तो एस 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 4 जा क्या हो जाएगा 20, रिमेनिंग कितना हो जाएगा 2, 5 3 जा 15 होता है, 15 प्लस 2 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 1 होगा, 5 2 जा 10 होता है, 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा यहाँ से 11, तो यहाँ पे एस 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1170 हो जाएगा।